खबर भरोसे की। सरकार ने जितनी छूट अलाउ की है वो सभी छूट हम लोग दिल्ली के अंदर अलाउ करने जा रहे हैं। सभी सरकारी दफ्तर खुलने जा रहे हैं। कई सारे सरकारी जो एसेंशियल सर्विसेज से डील करते हैं सरकारी दफ्तर, उन एसेंशियल सर्विसेज वाले सरकारी दफ्तर में 100% अटेंडेंस होगी, लेकिन दूसरे सरकारी दफ्तरों में जो एसेंशियल सर्विसेज से डील नहीं करते, वहाँ पे डिप्टी सेक्रेटरी लेवल तक, डिप्टी सेक्रेटरी एंड अबाव 100% आएंगे लोग, और उसके नीचे वाले स्टाफ में 33% स्टाफ आएगा। कल से दिल्ली के सारे प्राइवेट ऑफिसर्स खोले जाएंगे, लेकिन प्राइवेट ऑफिसर्स केवल 33% स्ट्रेंथ पे काम करेंगे। लेकिन जो जो चीज़ें इस वक्त अलाउ नहीं की जा रही, एयर ट्रैवल, रेल ट्रैवल, मेट्रो बंद रहेंगी और अंतर्राज्यीय बसें बंद रहेंगी। अंतर्राज्यीय बसें भी और विद इन दिल्ली भी, दिल्ली के अंदर भी बसें नहीं चलेंगी और एक स्टेट से दूसरे स्टेट की बसें भी नहीं चलेंगी। इस दौरान अगले 2 हफ्ते स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेज बंद रहेंगे, जितनी भी शैक्षणिक शिक्षा से संबंधित संस्थाएं हैं वो सभी बंद रहेंगी, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद रहेंगे, सभी तरह के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बंद रहेंगे, जो हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज वाले हैं सभी होटल रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, और जो ऐसे स्थान हैं जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक गैदरिंग होती है जैसे सिनेमा हॉल, मॉल, जिमनेजियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये सभी बंद रहेंगे। सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल या किसी भी तरह की अन्य गैदरिंग वो बंद है, उस वो अलाउ नहीं की जाएंगी। जो धार्मिक संस्थान हैं वो सभी बंद रहेंगे। साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब एग्रीगेटर्स, ये सब बंद रहेंगे। नाई की दुकान, बार्बर शॉप्स, स्पाज एंड सलून्स, ये भी बंद रहेंगे। शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों का बाहर निकलना बंद रहेगा, अनलेस आपको कोई एसेंशियल सर्विसेज के लिए बाहर निकलना हो, कोई ज़रूरी मेडिकल सर्विस है, इस तरह से कोई चीज़ के लिए जब निकलना हो तो अलग बात है, कोई बीमार हो जाए, अदरवाइज शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक निकलना बंद रहेगा। जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, टेक्नीशियन हैं, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, मैकेनिक हैं, सफाई कर्मचारी हैं, जो हमारे घर में काम करने वाले बाई आती है, लॉन्ड्री है, धोबी है, प्रेस वाला है, इस तरह के जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उन लोगों को काम करने की इजाज़त है, उनको सबको काम करने की इजाज़त दी जा रही है। अब प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खुला रहेगा, आईटी से रिलेटेड सर्विसेज की सभी ऑफिसेज खुले रहेंगे, कॉल सेंटर खुले रहेंगे, डेटा सेंटर्स खुले रहेंगे, वेयर हाउसिंग सर्विसेज खुले रहेंगे, कोल्ड स्टोरेज खुले रहेंगे, प्राइवेट सिक्योरिटी वाले और फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज खुले रहेंगे। इसके अलावा सारे इंडस्ट्रियल एस्टेट खुले रहेंगे जहाँ जहाँ एक्सेस कंट्रोल है। एक्सेस मतलब जो वहाँ पे अंदर जाने की, बाहर आने की, जहाँ जहाँ कंट्रोल है, तो लगभग सभी इंडस्ट्रियल एस्टेट खुले रहेंगे। इसके अलावा जो एसेंशियल सर्विस, एसेंशियल गुड्स बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो चाहे इंडस्ट्रियल एस्टेट में हो चाहे इंडस्ट्रियल एस्टेट के बाहर हो, दवाई बनाने वाली फार्मा की कंपनियां, मेडिकल डिवाइसेस बनाने वाली, उनके रॉ मटेरियल बनाने वाली, इंटरमीडियरी बनाने वाली, या उसकी सप्लाई चेन से संबंधित कोई भी चीज़ें जो हैं वो सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खुली रहेंगी।
आईटी हार्डवेयर से संबंधित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खुली रहेंगी। पैकेजिंग मटेरियल के में आ गया है, हम उसके लिए तैयार हैं, हम केंद्र सरकार से बात भी कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द दिल्ली के मार्केट भी खुलेंगे, अर्थव्यवस्था भी खुलेगी। ऐसा होने से थोड़े केस बढ़ेंगे, लेकिन जो केस बढ़ेंगे उसको हम उससे निपटने के लिए हम तैयार हैं।